पहनना नहीं है वो, पहन लो। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रभाकर्षण व्लॉग्स। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, सेफ होंगे। तो गाइज आज इतनी तेज धूप है, आज लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है और समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे मौसम में कि कौन सा सूट पहनूं कौन सा नहीं। बिकॉज आज फिर से हम कहीं जा रहे हैं। सपने कह रहे हैं कि ये रोज घूमते ही रहते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, आज हम जा रहे हैं मंथल। वहां पे इनके ताई के बेटे की, मतलब मेरे जेठ जेठानी की आज एनिवर्सरी, तो वहां पे जाना है। मम्मा का कॉल आया था कि आप रेडी हो जाओ और अभी मैं हो जाती हूँ रेडी। तो मुझे ना समझ ही नहीं आ रही है मैं गर्म सूट पहनूं कि ठंडा पहनूं, और फिर सोचा कि ठंडा ही पहन लेती हूँ क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा है। मतलब सुबह सुबह इतनी ज्यादा धूप होगी है तो दिन में पता नहीं क्या होगा। और अभी सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपना मेकअप, क्योंकि मेकअप के लिए टाइम लगता है, बाकी तो चलो जल्दी जल्दी हो ही जाएगा। और उसके बाद उठाती हूँ साहिल भैया को, साहिल भैया तो चलो 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे, मेरे को ज्यादा टाइम लगता है हमेशा। मतलब मैं ही लास्ट में रह जाती हूँ, चाहे जितनी जल्दी हो जाए। मैंने अपना मेकअप भी कंप्लीट कर दिया और आप अभी तक रेडी नहीं हुए हो। सेल्फी को उठा दो, मेरे को ना लाइनर नहीं आता है अच्छे से लगाना, पता नहीं ऊपर लग जाता है जब भी लगाती हूँ। अभी गीला है तो ये सूख जाता है। आप मेरे ना वो इयररिंग्स निकाल दो। सेल्फी कुछ कह रहे हैं, आ जाओ चेक कर लो एक बार अच्छे से। कहाँ जा रहे हो आप? कार अपने और कहाँ? आपका घर मेरा नहीं है क्या? तो तेरा भी है, तो चल। तो फिर ऐसे बोलो ना कि हमारा घर। तो पूछ क्यों रहे हो? ना कि आपका, तो मैंने पूछ लिया तो क्या हुआ, पूछ नहीं सकती हूँ। क्या रह गया? फोन बाल भी बना के आना। बाल मेरी तरह मैं भी आ रही थी तो याद ही नहीं कि कॉम भी करनी है। इधर नवंबर एंडिंग में आपको भी बुजी और फूफू को तो हम अपने साथ ही ले आए थे, और अभी हमने मम्मा को भी ऑफिस से पिक कर लिया, तो अभी हम जा रहे हैं छोटी बुआ को पिक करने, वो भी हमारे साथ जाएंगे मंथल में, तो वो वहाँ पे वेट कर रहे होंगे हमारा। साहिल भैया ठंड तो नहीं लग रही है? वैसे चुंडू आपको बड़ा अच्छा हुआ है। ना ना खुद किया इन्होंने, ये खुद कर लेते हैं। मगर राहुल की नहीं थोड़ा ज्यादा पनकदा। हाँ हाँ, तो कह रहे हैं ना वो क्या मेरी दाढ़ी और चुंडू रख रहे नहीं, जो राहुल ने रखा राहुल ही बड़ा पनकदा। सारे आ रहे कि बड़ा शहर पनकदा राहुल ही। साहिल भैया को इतनी गर्मी लग रही है, जैकेट उतार के सिर पे रख ली है। क्या मम्मी का? क्या मम्मी और चले गए आगे। हाँ, ये हमारा देवतों का स्थान है और अभी हम यहाँ पे मत्था टेक लेते हैं, और साथ में गाइस अंदर चल रहा है सत्संग, और फिर उसके बाद बैठते हैं सत्संग में जाके। क्या करना है आपको अभी? क्या करना है?
कुछ नहीं करना है। कंचा किसको पूछना है अभी है? आपको पूछना है क्या लेना है आपने है? शर्म आ रही है? किसने दी, किसने दी है? मुझे दे दो। देनी है मुझे? नहीं देनी है, खा लो आप, ले लो। क्यों आपको क्यों शर्म आ रही है? ब्याह की तैयारी करा रही है। हाँ तैयार हो जाओ बरात आपकी। कोई ये साल में तलाक की तैयारी करो, ब्याह की तैयारी करो। शर्म करो भैया, तलाक की तैयारी नहीं करो आगे। वो कह रहे बधाइयां देनी आपको। तो आपका कोई रोल नहीं है क्या? तो गाइस ये है वंशु। क्या लगती है मेरी, मैं क्या लगती हूँ आपकी? चाची। हाँ ये मेरी जेठानी की बेटी है। और कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट टाइम। वैसे बिल्कुल नहीं लगता, जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी तो मुझे ऐसा लगता था कि 8th-9th में पढ़ती है। जब मैंने सुना कि ये कॉलेज में, तो मेरे तो होश ही उड़ गए यार। इतनी छोटी सी बच्ची है और अंदर बैठ के ना इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, और बाहर आके अब फिर से ठंड लगने शुरू हो गई। एक तो मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पा रही हूँ। अभी हम चलते हैं, भूख लगी बहुत जोर से, तो खाना खा लेते हैं पहले। आप मंकियों से बच के इधर आए हो और मंकी आ रहे हैं आपके पीछे। नहीं, वो नहीं। मंकी साथ में खा लेंगे। वैसे आपने जाना है घर के रहना है? मेरे को नहीं लग रहा है कि आज आपने जाना है। ठीक है ठीक है, खा लो आप, हम अंदर हैं, फिर चलते हैं। ठीक है, मम्मी उधर है। पहनना नहीं है वो, पहन लो। ठंडी नहीं लग रही है? भाई देखो हमें ठंड लग रही है, हम सबने देखो। परी ने भी पहना जैकेट, आप भी पहन लो, फिर बीमार हो जाओगे। इसको ठंड नहीं लग रही है? ठंड ठंड लग रही है, तो पहन लो। लग रही है? चलो चलो आज मेरे साथ पहन लेते हैं। पहन रही है भैया, स्वेटर स्वेटर पहनाओ इसको। गोवा की गर्मी है। गोवा की गर्मी नहीं है, मंथल की गर्मी है। हाँ सुनाओ सुनाओ मुझे। अच्छा सा अच्छा सा डांस करो, अच्छा सा। और पिज्जा किस किस को देना है? मुझे देना है, चॉकलेट लेना है आपने? मैंने लाया आपके लिए। ठीक है, कौन सा वाला चॉकलेट पसंद है आपको? कौन सा वाला? अपने लाए थे वो चॉकलेट। डेरी मिल्क। डेरी मिल्क अच्छा लगता है या कोई और? डेरी मिल्क। अच्छा आपने अपने कपड़े कहाँ पे रखने हैं? माड़ी में या अलमारी में? न्यू वाले कैसे लगे कपड़े? ये ड्रेस किसने दी आपको, इतनी सुंदर किसने दी है? मुझे दे दो। नहीं देनी है, चलो फिर बाय। मैं जा रही हूँ, मैं जाऊँ घर में। चलो बाय कर दो मुझे, बाय। क्या बोलते हैं अगर कोई चीज देगा तो? कुछ नहीं बोलते हैं। थैंक यू किसने बोलना है? मैंने। बोलो फिर मामी जी। थैंक यू मामी जी। थैंक यू। और ये मामू ने लाया, कौन से मामू ने लाया? साहिल मामू ने। कौन से मामू ने लाया? आप साहिल मामू को बाद में थैंक यू कर देना। ठीक है, ये लो फिर। पता है आपको? शादी में आए थे। शादी में आए थे। चलो ठीक है, अभी आप खा लो। ठीक है ठीक है ठीक है फिर भैया, बाय बाय, चलते हैं। चलो हमारे साथ अब हो गई शादी, आगे चलो। चलो चलो ठीक है, फिर आना आप हमारे घर में। ठीक है, चलो बाय बाय मिस्टू, बाय बाय। नहीं करनी है, बाय। फ्लाइंग किस भी कर दो। चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइज अभी मैं और मम्मा आ गए हैं घर, और ये और साहिल भैया गए हैं भूजी को छोड़ने, ये भी आते होंगे। और सबसे पहले मैं कर लेती हूँ चेंज, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और मुझे हो रही है हेडेक। और बाहर तो सारे कपड़े भी पड़े हैं, तनु भैया ने वो भी नहीं उठाए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कपड़े उठा लेती हूँ। एक तो आजकल अंधेरा इतनी जल्दी होता है, 6 बज रहे हैं अभी सिर्फ, और अंधेरा ऐसे हो गया कि जैसे 10-11 बज रहे हो। और अभी वो तो हमें आने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि केक वगैरह कटिंग करके जाओ, लेकिन वो बूझी उनको आना था, तो फिर ये कहते कि हम भी चलते हैं, फिर लेट हो जाएगा। साथ में मम्मा को भी कल सुबह कहीं फंक्शन है, उनको भी वहां पे जाना है, तो फिर हम जल्दी आ गए। और अभी मैं चेंज वगैरह करके, उसके बाद तनु भैया तो गए नहीं थे, उन्होंने लंच भी नहीं किया, तो
अभी डिनर और लंच वो करेंगे साथ में, तो भी मैं चाय शाय का करती हूँ कुछ। तो गाइज मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तो गाइज अभी हम लोगों का डिनर हो गया और आज ना बहुत ज़्यादा थकावट हो गई और आज मुझे बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रही है, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सो जाना चाहिए। मिलते हैं फिर गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।